भले आपको यहाँ पे बहुत सारे बिल्डिंग्स दिख रहे होंगे, लेकिन सिंगापुर का जो 50% से ज़्यादा एरिया है ना, वो ग्रीनरी से भरा हुआ है, और इसीलिए सिंगापुर को सिटी ना गार्डन भी बोलते हैं। यहाँ पे हर चीज़ में जो है ना GST लगता है हर चीज़ में। जैसे कि जो मैंने अभी फ्रिज मैग्नेट लिया, वो भी उसका एक्चुअल प्राइस 2.75 सिंगापुर डॉलर था, पर GST लगा के वो $3 बन गया। सिंगापुर में आपको जगह जगह पे ये मिल जाएगा 2 सिंगापुर डॉलर में फ्रेश ऑरेंज जूस। यार यहाँ भी लिखा है एंट्री फॉर मुस्लिम मैन ओनली, पर मैं देख रहा हूँ कि कोई भी नॉर्मल टूरिस्ट भी आके यहाँ पे जा रहा है। तो ये है सामने एप्पल स्टोर, बाकी यहाँ के मार्केट्स अगर आप देख सकते हो, स्ट्रीट मार्केट है ये लिटिल इंडिया का। कोई भी बिल्डिंग 280 मीटर से ऊँची नहीं हो सकती सिंगापुर में, क्योंकि गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत करता हूँ आप सब लोग का एक नई वीडियो में सिंगापुर से। और इस वक्त मैं हूँ चाइना टाउन के टेम्पल स्ट्रीट में, और अभी जस्ट अपने हॉस्टल से बाहर निकला, ये जस्ट पीछे मेरा हॉस्टल जस्ट पीछे। चलो मैं आप लोग को पहले अपना हॉस्टल ही दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद आप लोग से मिलते हैं। तो यार ये है मेरा रूम, और ये 10 शेयरिंग रूम है। मेरे को ये ऊपर वाला बेड मिला है, और बाकी ऐसा प्राइवेसी वगैरह तो कुछ है नहीं, पर क्या ही कर सकते हो, रात में सोने के लिए आना है तो उस हिसाब से ठीक है। उसके अलावा जो लॉकर्स है ना, वो बाहर है रूम के, जस्ट बाहर है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये लॉकर है, और पीछे जो है मेरा रूम है, और इसके जस्ट सामने जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये जो सामने आप देख रहे हो ना, ये है टेम्पल स्ट्रीट चाइना टाउन। और मैं आ गया हूँ यहाँ के वॉशरूम में, यहाँ पे ये शावर एरिया है, और वैसे ही है यहाँ पे आके वॉशिंग मशीन है। यहाँ पे शायद कुछ पैसे डाल के आप अपने कपड़े धो सकते हो, ड्रायर भी है, और यहाँ से आप डिटर्जेंट्स वगैरह ख़रीद सकते हो कॉइन्स डाल के। तो मैं भी आया था यहाँ पे बस अपना सनस्क्रीन लगाने के लिए। और चलो अब चलते हैं और देखते हैं कुछ खाने पीने का। तो यार ये था हॉस्टल, और ये हॉस्टल का मैंने करीब पे किया है 5,050 रुपये 3 रात का। मैंने पहले ही कर लिया था, जब वीज़ा मेरे को लगवाना था सिंगापुर का, उस समय मैंने बुक किया था। तो तकरीबन 1,650 रुपये बनता है पर नाइट का, सिंगापुर के हिसाब से ठीक है यार, सिंगापुर के हिसाब से ठीक है। और ये हॉस्टल भी लाइक आई वुड रेट इट 7 out of 10 मैं इसको रेट करूँगा। कोई बहुत अच्छा तो नहीं है, पर वही है कि पानी वगैरह आपको मिल जाएगा, तो उसके बाद वॉशरूम्स वगैरह भी काफ़ी साफ़ है, तो उस हिसाब से ठीक है। अभी मैं फ़िलहाल यहाँ पे खोज रहा हूँ कुछ रेस्टोरेंट इसे टाउन में, कुछ खाते हैं पहले। तो यार ये है चाइना टाउन, आप देख सकते हो कि सब लोग छाता लेके घूम रहे हैं, क्योंकि चाइनीज़ लोग को धूप से बहुत डर लगता है। और अच्छा मार्केट लग रहा है यार, काफ़ी अच्छे अच्छे चीज़ मिल रहे हैं यहाँ पर। तो मुझे भी फ्रिज मैकेट लेनी है, पहले खा लेते हैं उसके बाद फिर देखते हैं। तो यार मैं आ गया हूँ एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट में, ये टेम्पल स्ट्रीट में ही है, मेरे हॉस्टल के जस्ट अपोजिट में, और यहाँ पे मैंने लिया है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैंने ये एग फ्राइड राइस लिया है 7.8 सिंगापुर डॉलर्स का। उसके अलावा जो है मैंने लिया है फ्रेश वाटरमेलन जूस, जो कि है 4.8 सिंगापुर डॉलर का, और आई थिंक इसमें ये लोग 10% ये लोग इसमें वो भी ऐड करेंगे सर्विस चार्ज। तो आई थिंक 13 या 14 सिंगापुर डॉलर का बिल आना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ कितने का बिल आता है। तो इनके टेबल में QR कोड लगा हुआ है, और ये मैंने ऑर्डर प्लेस किया है, और देखते हैं फाइनल बिल कितने का आता है। तो यार ये आ गया हमारा एग फ्राइड राइस, और ये है वाटरमेलन जूस। वैसे तो मेरे को चिकन फ्राइड राइस खाना था, लेकिन इनके मेन्यू में चिकन फ्राइड राइस था ही नहीं, और मैंने इनसे पूछा भी कि आपके पास चिकन फ्राइड राइस है क्या, तो इन्होंने वही अपने स्टैंडर्ड डायलॉग बोला, नो हैव। तो यार अभी जस्ट खाना खाया, खाना काफ़ी अच्छा था, और बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं था, 0 spice, पर अच्छा था, बहुत टेस्टी था। और जो टोटल बिल आया वो आया 13.9 सिंगापुर डॉलर का, यानी कि 800 के ऊपर होता है, 850 के आसपास बनना चाहिए। तो यार महंगा तो है सिंगापुर। और अभी मैं आ गया हूँ, मतलब अभी मैं हूँ चाइना टाउन में, और मैं आपको यहाँ का मार्केट दिखाता हूँ। ये यार यहाँ पे फ्रिज मैगनेट्स वगैरह मिल रहे हैं, मुझे एक लेना है, चलो देखते हैं कहाँ पे अच्छा लगता है। तो यार फ्रिज मैगनेट मैंने ले लिया, मेरे को $3 का पड़ा, 3 सिंगापुर डॉलर, यानी 150 के ऊपर ही हो गया। खैर $1 वाले भी थे, पर वो मेरे को उतने अच्छे लगे नहीं। और यहाँ पे हर चीज़ में जो है ना GST लगता है हर चीज़ में। जैसे कि जो मैंने अभी फ्रिज मैग्नेट लिया, वो भी उसका एक्चुअल प्राइस 2.75 सिंगापुर डॉलर था, पर GST लगा के वो $3 बन गया। तो ये है मेरे पीछे, आप देख सकते हो चाइना टाउन, और सामने चाइना टाउन का MRT स्टेशन भी है। तो बढ़िया यार, अगर आपको खाना वगैरह खाना है, शॉपिंग करना है, तो उसके लिए अच्छी जगह है, अच्छा लगा मेरे को। तो काफ़ी छोटे छोटे देख रहे हो, कितना क्यूट है यार ये,
वेलकम टू सिंगापुर। सिंगापुर में आपको जगह जगह पे ये मिल जाएगा, दो सिंगापुर डॉलर में फ्रेश ऑरेंज जूस। ये मैंने तो कभी ट्राई किया नहीं है, पर ये मेरे हॉस्टल के जब सामने भी है, तो आज शाम को जब हॉस्टल जाऊँगा तो शायद आज रात को मैं ट्राई करूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा कैसा रहता है इसका टेस्ट। बाकी आप छाते देख सकते हो, जो भी छातों के साथ है आई थिंक चाइना से होंगे, मतलब मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, जस्ट बता रहा हूँ कि इनको धूप बिल्कुल पसंद नहीं है चाइनीज़ लोगों को। और ये चाइना टाउन है तो ऑब्वियसली यहाँ पे काफ़ी सारे आपको चाइनीज़ टूरिस्ट मिलेंगे, काफ़ी सारे सोवेनियर्स हैं और छोटी मोटी चीज़ें हैं। कपड़े मेरे को नहीं मिले अभी तक उतने, सॉक्स वगैरह मिल रहे हैं पर कपड़े एज सच मेरे को नहीं दिखे अभी तक। बाकी सोवेनियर्स के नाम पर बहुत कुछ मिल जाएगा यहाँ पर। चलो अब यहाँ से चलते हैं अपन स्काई पार्क ऑब्जर्वेटरी, वहाँ से पूरा सिंगापुर का स्काई लाइन दिखता है और गार्डन्स बाय द बे भी दिखता है ऊपर से, तो वहाँ चलते हैं। चाइना टाउन से मेरे को यहाँ से मेट्रो लेनी है और आई थिंक डाउनटाउन के आगे एक और स्टेशन है, मैं नाम भूल गया, पर मैं नीचे डाल दूँगा स्टेशन का नाम। तो चलो यहाँ से चलते हैं, मेरे सामने जो है MRT की लाइन है। तो अभी मैं अपने मेट्रो का वेट कर रहा हूँ, ये यहाँ का मेट्रो है और यहाँ पे आपको फ्री वाईफाई भी मिल जाएगा प्लेटफॉर्म में, लेकिन मेट्रो में नहीं मिलेगा। तो जिन्होंने पिछली वीडियो देखी होगी उनको मालूम होगा कि मेरे पास ये सिंगापुर का टूरिस्ट पास है, ये मैंने 29 सिंगापुर डॉलर्स में ख़रीदा था। इसमें 3 दिन के लिए अनलिमिटेड आपको पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन फ्री मिलता है और आई थिंक ये वर्थ इट है, क्योंकि जैसे अभी मैं ना गलत लाइन में चला गया था, तो मैं वहाँ एंटर किया और फिर मेरे को वहाँ से बाहर निकलना पड़ा। तो अगर आप अपना नॉर्मल वीज़ा कार्ड टैप करोगे ना तो उसमें से आपके पैसे कटेंगे, लेकिन क्योंकि इसमें अनलिमिटेड है, आप अगर गलती भी कर रहे हो तो क्या ही फ़र्क पड़ता है, तो वो है। और बाकी मैं तो हर जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी जाता हूँ। आई थिंक 29 सिंगापुर डॉलर्स वर्थ इट है, डिपेंड्स आप कितना पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हो। कल मैं सेंटोसा जाऊँगा तो उसमें भी ये यूज़ करूँगा, कल इसका लास्ट डे है क्योंकि मैं कल लिया था, आज वैलिड है, कल वैलिड था आज वैलिड है और कल वैलिड रहेगा। परसों मेरे को एयरपोर्ट जाना है तो उसके लिए देखते हैं क्या करता हूँ। तो यार इस वक्त मैं आ चुका हूँ मरीना बे सैंड्स होटल के अंदर और यहीं से आपको Tower 3 के अंदर आप आओगे तो लिफ्ट मिल जाएगी स्काई पार्क के लिए। और यार ये होटल बहुत ही बड़ा लग रहा है और बहुत ही महंगा है, खैर इसके बारे में बात करेंगे, कोई मतलब है नहीं, पर बहुत ही सुंदर है अंदर से। तो यार इस समय मैं आ गया हूँ स्काई पार्क ऑब्जर्वेटरी में और बहुत ही बढ़िया नज़ारा है यार यहाँ से। और कोशिश करता हूँ जितने भी नए सिटीज़ जाऊँ वहाँ के मैं ऑब्जर्वेटरी को देखूँ, और काफ़ी बढ़िया यार, अच्छा लग रहा है। और आप लोग को एक मस्त चीज़ दिखा रहा हूँ मेरे को यहाँ से क्या दिख रहा है, तो किसको ये होटल याद है ये बताओ मेरे को। तुमने ऐसा बोला? मैंने बोला। तो तुम हमसे पैसे क्यों मांग रहे हो? अरे मैं लाश लेकर आया हूँ ना। और यहाँ पे अंदर आने के लिए आपको एंट्री टिकट लगती है, तो बेटर यही होगा कि आप ऑनलाइन टिकट ले लो, क्योंकि अगर आप यहाँ आके लोगे तो आपको महंगी पड़ेगी। मैंने इसको बुक किया था क्लुक से 1950 रुपये में, तो ऑनलाइन सस्ता पड़ेगा। मैंने भी काफ़ी सारी जगह ऑनलाइन सर्च किया तो मेरे को क्लुक में मिला, तो आप लोग भी 2-3 वेबसाइट्स में देख लेना, क्लुक हो गया, हेड आउट हो गया, 3 लोफिलिया हो गया। और ये दूसरा तरफ है सिंगापुर का, मैं आपको यही भी दिखा रहा हूँ, मेरे सामने जो है ये सिंगापुर फ्लायर है। और ये आई थिंक ये है गार्डन्स बाय द बे, करेक्ट, ये है गार्डन्स बाय द बे। और यहाँ भी आएंगे अपन, कल आएंगे यहाँ पर। और ये कुछ ऐसा स्काई पार्क है यार, ये दूसरा तरफ है, यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू है। क्या व्यूज़ तो सब जगह से ही अच्छे हैं क्योंकि छोटा सा शहर है, शहर बोलो कंट्री बोलो एक ही मतलब है।
बाकी यहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे शाम को ही आओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है और सनस्क्रीन लेके ही आना आप किसी भी मौसम में आओ, किसी भी महीने में आओ सिंगापुर। और शाम का जो 5 बजे के बाद का जो एंट्री है उसका ज़्यादा लगता है करीब 400-500 रुपये, लेकिन वो वर्थ इट है यार, इतने धूप में घूमने का कोई मतलब नहीं है। और आई थिंक शाम को गार्डन्स बाय द बे में शो भी होता है, तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हो। ये है हमारा गार्डन्स बाय द बे, कल यहीं पे आएंगे अपन। बाकी यहाँ पे छोटे छोटे ग्रिल जैसे लगे हुए हैं फॉर सेफ्टी पर्पस। ये भी काफ़ी बड़ा है यार, इस तरफ मैं अभी देख रहा हूँ, काफ़ी बड़ा है ये भी। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो जो ये है ना, जो पीछे वाला है, ये वाला, ये है क्लाउड फॉरेस्ट। उसके बाद जो ये वाला है, ये है फ्लावर डोम। उसके बाद वहाँ पे जो आप ट्रीज़ देख रहे हो ना, वो है सुपर ट्री ग्रोव। ये हैं सारे सुपर ट्री ग्रोव, तो यहाँ पे दे रखा है मैंने अभी देखा। भले आपको यहाँ पे बहुत सारे बिल्डिंग्स दिख रहे होंगे, लेकिन सिंगापुर का जो 50% से ज़्यादा एरिया है ना, वो ग्रीनरी से भरा हुआ है, और इसीलिए सिंगापुर को सिटी ना गार्डन भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है और दिख भी रही है। बिल्डिंग्स तो हैं पर ग्रीनरी भी काफ़ी ज़्यादा है। और आप लोग को एक और फैक्ट बताता हूँ जो काफ़ी लोग को नहीं मालूम होगा, ये मेरे पीछे आप जितने भी बिल्डिंग्स देख रहे हो ना, ये सारी बिल्डिंग्स जो हैं, ये कोई भी बिल्डिंग जो है 280 मीटर से ऊँची नहीं है। तो यहाँ पे एक रूल है कि कोई भी बिल्डिंग 280 मीटर से ऊँची नहीं हो सकती सिंगापुर में, क्योंकि एयरपोर्ट बहुत पास में है और सिंगापुर एक बहुत छोटी सी कंट्री है। कंट्री भी यही है, सिटी भी यही है, कैपिटल भी यही है, तो इसीलिए यहाँ पे कोई भी बिल्डिंग 280 मीटर से आपको ऊँची नहीं मिलेगी। तो अगर आपको ऊँची बिल्डिंग्स देखनी है तो मुंबई में शायद आपको इससे ज़्यादा ऊँची बिल्डिंग मिल जाए, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे स्काई स्क्रैपर्स हैं, आप यहाँ से देख सकते हो बहुत सारे हैं, पर हाइट कोई बहुत ज़्यादा नहीं है इनकी। कुछ कुछ ऐसा रूल है यहाँ पे जो काफ़ी अजीब से हैं, जैसे आप में से शायद बहुत लोगों को मालूम भी होगा कि यहाँ पे च्युइंगम खाना बैन है, क्योंकि पहले क्या हुआ था ना 1990s के आसपास, यहाँ पे लोग च्युइंगम खा के मेट्रो स्टेशन वगैरह में चिपका देते थे, तो यहाँ की गवर्नमेंट ने उसको बैन ही कर दिया। तो ऐसे कुछ कुछ रूल्स हैं यहाँ पर जो थोड़े वियर्ड हैं, पर सब कंट्री के अपने अपने रूल्स होते हैं यार। और यहाँ पे ऊपर जाने का भी है, चलो यहाँ से देखते हैं क्या है, आई थिंक थोड़ा और अच्छा व्यू आएगा क्योंकि ग्रिल नहीं है। वो जो सामने इन्फिनिटी पूल है वो खाली होटल रेसिडेंस के लिए है, और इसमें हम लोग नहीं जा सकते। अगर आपको वहाँ जाएँ तो आपको शायद होटल ही बुक करना पड़ेगा, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। मैं वापस से मरीना बे सैंड्स होटल के लॉबी में आ गया हूँ, और अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं कैंपोंग ग्लैम, जो कि सिंगापुर का जो है मुस्लिम क्वार्टर है। तो चलो देखते हैं, सुना है वहाँ का आर्किटेक्चर काफ़ी अलग है, तो वहाँ जाके पता चलेगा। यहाँ से मैं जल्दी से लेता हूँ MRT और चलते हैं कैंपोंग ग्लैम। ज़रा देख के रहे बाबा, इसमें गलती से बैठ मत जाना। हाँ तो मैं अभी बे फ्रंट मेट्रो स्टेशन आ गया हूँ, और यार ये तो बहुत ही अलग ही है यहाँ पर ये मेट्रो स्टेशन। यहाँ पे लोग डांस प्रैक्टिस कर रहे हैं, और पूरा लाइन से जो है ना मिरर लगा हुआ है। ये सही लगा यार मेरे को। और वहाँ पे कुछ लोग हैं डांस प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओके, डाउनटाउन लाइन जो है आगे है, तो चलो चलते हैं। तो मैंने आपको जो टूरिस्ट पास के बारे में बताया ना, जो 29 सिंगापुर डॉलर्स का पड़ता है, उसको वैसे एयरपोर्ट से लेते हैं, और अगर आपको उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इसके पहले वाला आप वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने प्रॉपर लेते हुए दिखाया है, तो आपको उससे अच्छा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। चलो मेरी है मेट्रो 3 मिनट में, जल्दी से चलते हैं। तो इसमें आप देख सकते हो कि मेरे को यहाँ से जाना है बुगिस स्टेशन, फिर वहाँ से एग्ज़िट गेट डी से निकल के मुझे जाना है कैंपोंग ग्लैम, और ये मेरी ट्रेन भी आ गई, चलो चलते हैं। या ये मेरे को फिर दिख गया ऑरेंज जूस, तो चलो अब तो ले ही लेते हैं। चलते चलते थक भी गया हूँ और प्यास भी बहुत लग रही है, तो सोचा चलो पी लेता हूँ।
तो यार ये लाइव ऑरेंज लोग स्क्वीज करते हैं और आई थिंक ये मेरा आ भी गया है। यार यहाँ सिंगापुर में लोग जो है बहुत ज़्यादा वॉक भी करते हैं और यहाँ के लोग जो है ना आई थिंक दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ इन्हीं लोग चलते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ब्रिटिश काउंसिल ने एक रिसर्च ऑर्गेनाइज़ किया था। ये लोग करीबन 18 मीटर वॉक करते हैं 10.5 सेकेंड में, तो ये फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड है। और यहाँ पे आपको बहुत लोग चलते हुए मिल जाएंगे और ऑलमोस्ट हर जगह यहाँ पे फुटपाथ अवेलेबल भी है, तो ये एक अच्छी बात है यार। और चलते चलते मैं कैंपोंग ग्लैम पहुँच गया हूँ और मेरे सामने जो है मैं अभी सुल्तान मॉस्क देख पा रहा हूँ। आप लोगों को भी दिखाता हूँ, वो जो सामने दिख रहा है वो है सुल्तान मॉस्क। चलो चलते हैं। ये जो मॉस्क है ये सिंगापुर का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे हिस्टोरिक मॉस्क में से एक है। आई थिंक इसको 1824 में बनवाया था और इसको बनवाया था सुल्तान हुसैन शाह, जो कि सिंगापुर के पहले सुल्तान थे, इसीलिए इसको इतना इंपॉर्टेंस मिलता है। 1975 में इस मस्जिद को सिंगापुर का नेशनल मॉन्यूमेंट भी डिक्लेयर किए थे। तो हालांकि इंटरनेट में लिखा तो है कि यहाँ पे कोई भी आ सकता है, बट आई थिंक वहाँ पे एक पोस्टर लगा है कि एंट्री फॉर मुस्लिम मैन ओनली। आई थिंक कुछ कुछ सेक्शन है जहाँ पे सिर्फ मुस्लिम मैन जा सकते हैं। तो ठीक है, मैं अंदर जाऊँगा नहीं, पर ये मेरे को अच्छा लगा देख के, काफ़ी अच्छा है, आर्किटेक्चर भी काफ़ी सुंदर है। और ये जो बाय द वे मस्जिद है कैंपोंग ग्लैम में ही है, तो चलो अब कैंपोंग ग्लैम चलते हैं, वहाँ का नेबरहुड देखते हैं कैसा है। यार यहाँ भी लिखा है एंट्री फॉर मुस्लिम मैन ओनली, पर मैं देख रहा हूँ कि कोई भी नॉर्मल टूरिस्ट भी आके यहाँ पे जा रहा है, या तो वो सब लोग मुस्लिम होंगे या तो ऐसा उतना भी स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। पर ठीक है यार, जो लिखा है उसको फॉलो करते हैं। ज़्यादा देर मैं अंदर था नहीं, मैं बाहर आ गया हूँ और अभी मैं हूँ कैंपोंग ग्लैम के मार्केट में। तो यहाँ पे सोविनियर्स वगैरह मिल जाएंगे, कपड़े यहाँ पे कपड़े मिल रहे हैं और बैग्स वगैरह मिल रहे हैं, चाइना टाउन से थोड़ा अलग है। चलो अंदर चल के देखते हैं कैसा है। यार मैं भी एक टर्किश रेस्टोरेंट में आया हूँ और मैंने ये लेंटिल सूप ऑर्डर किया है, देखते हैं कैसा होता है। सुना है कि ये टर्की में काफ़ी लोग इसको पसंद करते हैं। यार ये वाली बिल्डिंग देखो यहाँ पे, ये ऐसा लग रहा है इसके पीछे कुछ है ही नहीं, एकदम पतला सा लग रहा है, लेकिन इसके पीछे जाओगे ना तो यहाँ पे बिल्डिंग है। तो ये काफ़ी अच्छा आर्किटेक्चर लगा यार, सामने से बहुत ही अलग लगता है ये। तो यहाँ से आप देख पा रहे होगे कि बिल्डिंग है, पर अगर आप वापस इस तरफ आओगे तो यहाँ से ऐसा लगता है कि सिर्फ पतली सी बिल्डिंग है, एकदम ही ज़्यादा पतला, जैसे कंप्यूटर का स्क्रीन होता है। इस समय मैं आ चुका हूँ द शॉप एट मरीना बे सैंड्स। तो ये मरीना बे सैंड्स जो होटल है उसके जस्ट नीचे में एक शॉपिंग मॉल है, मैं वहीं पे हूँ और मेरे जस्ट सामने मरीना बे सैंड्स हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जो है होटल है और आज दिन में मैं वहीं गया था ऊपर में, और ये सामने जो है ये मॉल है। तो ये अच्छी जगह है, अगर आप शाम को टाइम स्पेंड करने आना चाहते हो तो यहाँ पे आप आके थोड़ी देर बैठ सकते हो। और यहाँ मेरे सामने एप्पल स्टोर भी है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है सामने एप्पल स्टोर और ये यहाँ से सिंगापुर का स्काईलाइन पूरा दिखता है। और यहाँ पे एक लाइट एंड फाउंटेन शो होता है जो कि 8 और 9 बजे होता है, लेकिन क्योंकि आज संडे है तो आज ये 8, 9 और 10 बजे होगा, तो आज 3 बार होगा। तो यहाँ पे थोड़ी देर समय बिताते हैं और फिर देखते हैं यहाँ से कहाँ चलना है। और जो मर लायन है सिंगापुर का, वहाँ पर आप देख पा रहे होंगे वो उस तरफ है। Thank you.
तो यार अभी जस्ट मैंने ये शो देखा, इसको स्पेक्ट्रा लाइट एंड फाउंटेन शो बोलते हैं, और टाइमिंग मैंने आपको जैसा इसका बताया कि वीकेंड में 8, 9 और 10 बजे होता है और बाकी दिन 8 और 9 बजे होता है रात के, तो ये बहुत ही अच्छा था, इसको बिल्कुल भी आप मिस मत करना। मैं कल इसको उस तरफ से देखा था, मरलायन की तरफ से, तो ये मरलायन की तरफ से बिल्कुल दिखता ही नहीं है, तो कल की मैंने वीडियो में बोल दिया था कि उतना कुछ खास लग नहीं रहा है क्योंकि उस तरफ से कुछ दिखता ही नहीं है। यहाँ से यार बहुत बहुत ही अच्छा था, बहुत ही प्यारा शो था यार, तो मेक श्योर आप यहाँ पे आओ, तो शाम को आप 8 और 9 बजे आओ, और अगर वीकेंड है तो 8, 9 और 10 बजे कभी भी यहाँ पे आप गूगल में लिखोगे स्पेक्ट्रा फाउंटेन शो तो आपको मिल जाएगा, तो ये बहुत ही अच्छा था। मैं भी यहाँ से चलता हूँ, काफ़ी देर हो गई यहाँ पे बैठे हुए, यहाँ से मैं सोच रहा हूँ अभी लिटिल इंडिया जाने का, वहाँ पे थोड़ा बहुत घूमेंगे और कुछ खाएंगे पिएंगे। इस समय मैं आ गया हूँ लिटिल इंडिया में, और ऑब्वियसली बात है काफ़ी इंडिया जैसा ही है, काफ़ी सारे वेज रेस्टोरेंट हैं और ज्वेलरी की शॉप्स है, साड़ी वगैरह की शॉप्स हैं, और उधर मार्केट सा है कुछ, और क्योंकि दिवाली आने वाली है 2 दिन बाद तो उसके लिए सजा के रखे हैं, तो लेट्स सी अंदर चल के देखते हैं कैसा है। यहाँ पे आके आपको इंडिया जैसा जरूर से फील होगा। क्योंकि यहाँ तमिल लोग ज़्यादा रहते हैं और तमिलनाडु से यहाँ पे ज़्यादा माइग्रेशन हुई है, तो यहाँ पे ज़्यादातर जो शॉप्स हैं उनके नाम तमिल में लिखे हुए हैं, और ऑल्सो तमिल यहाँ की एक नेशनल लैंग्वेज भी है, तो उसके वजह से ज़्यादातर चीज़ें तमिल में। चलो देखते हैं कहीं कुछ खाने वगैरह का मिलता है तो मैं बताता हूँ। तो यार अभी जस्ट खाना खाया, बेज रेस्टोरेंट बार करके एक रेस्टोरेंट है यहाँ पे, खाना तो बहुत अच्छा था। मैंने ऑर्डर किया था चिकन टिक्का मसाला और उसके साथ मैंने 4 रोटी ऑर्डर की थी, तो ये मेरे को टोटल पड़ा $25 सिंगापुर डॉलर का। तो यार खाना तो यहाँ पे बहुत महंगा है, पूरा सिंगापुर सिटी जो है ये भी पूरा ओवरऑल बहुत महंगा है दूसरे एशियन कंट्रीज से, तो खैर वो तो है, महंगी जगह तो है, पर खाना बहुत अच्छा था यार। तो मैं रेस्टोरेंट का नाम नीचे दे दे रहा हूँ, अगर आपको खाना है तो खा सकते हो, खाना बहुत अच्छा था। वैसे वहाँ मेरे को छोड़ के बाकी सब लोग जितने भी थे सब पीने के लिए आए थे, पर ठीक है, मैं तो खाना खाने गया था और खाना जो था बहुत अच्छा था। बाकी यहाँ के मार्केट्स अगर आप देख सकते हो, स्ट्रीट मार्केट है ये लिटिल इंडिया का। और ये जगह लग रहा है काफ़ी इंडिया जैसा लग रहा है, क्योंकि मैं मलेशिया के लिटिल इंडिया गया था तो वो थोड़ा सा अलग है यहाँ के लिटिल इंडिया से, पर ये यहाँ पे काफ़ी अच्छी वाइब आ रही है। तो यार मैं वापस आ गया हूँ चाइना टाउन अपने हॉस्टल के पास, और आज की वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि हम सुबह चाइना टाउन घूमे, उसके बाद हम मरीना बे सैंड्स होटल गए जहाँ पे हमने स्काई पार्क के ऊपर से पूरा सिटी व्यू देखा, उसके बाद हम कैंपोंग ग्लैम गए, और उसके बाद फिर हमने स्पेक्ट्रा फाउंटेन शो देखा, उसके बाद फिर हम लिटिल इंडिया भी गए। तो यार आज का दिन आई होप आपको अच्छा लगा होगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिला होगा, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं कल की वीडियो में।